एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी वैकेंसी आई हुई है असम यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर हमें 3 पोजीशंस पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे लाइब्रेरियन, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट। यहाँ पर हमारी 3 पोजीशंस रहने वाली है जहाँ पर यह रिक्रूटमेंट हमारी आई हुई है। ये जो हमारी वैकेंसीज आई हुई है असम यूनिवर्सिटी सिलचर की तरफ से आई हुई है। सो, हम इन 3 पोजीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, बारी बारी करके हम इसकी डिटेल्स देखने वाले हैं, क्या इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रहने वाला है, किस कैटेगरी के लिए है, एज लिमिट यहाँ पर कितनी दी गई है और पे लेवल यहाँ पर कितना मिलने वाला है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारी जो पहली वैकेंसी आई है वो है लाइब्रेरियन की। तो ये जो हमारी वैकेंसी है कैटेगरी UR के लिए है, यानी अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पोजीशन देखने को मिली है। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर लेवल 14 का पे है, यानी 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक। एज लिमिट की बात करें तो वो आपकी जो है 57 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उसमें आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MLib होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और सेकंड पॉइंट जो है, एटलीस्ट 10 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन का, या फिर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एज असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस, या करके फिर दिया गया है 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कॉलेज लाइब्रेरियन। यहाँ पर थर्ड पॉइंट्स में यहाँ पे एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी। एंड फोर्थ पॉइंट में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, आर्काइव्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग। सो नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, यहाँ पर जो एक कैटेगरी है SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पोजीशन देखने को मिली है। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे 29,200 से लेवल 5 का पे रहने वाला है, 29,200 से 92,300 तक हमारी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 32 यहाँ पर एज लिमिट है, इससे ज़्यादा आपकी जो है एज नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो, यानी BLib या BLIS किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंटर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, हमारी जो लास्ट वैकेंसी है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। इसकी हम कैटेगरी की बात करें तो ये SC कैटेगरी के लिए ही है। यहाँ पर भी 1 पोजीशन देखने को मिली है और इसका जो पे लेवल रहने वाला है वो 4 का रहने वाला है। सैलरी रहेगी इसमें 25,500 से 81,100। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 32 साल इसकी एज लिमिट है, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आपने BLib किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास हो। और उसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इसमें आपके पास होना चाहिए। इसमें कोई भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है किसी भी पोजीशन पर, सभी में जो भी दी गई है क्वालिफिकेशंस, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सभी इसेंशियल है। सो, आपको यहाँ पर जो उसमें स्टेट की बात करें तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, यहाँ पर कुछ फ़ी चार्ज भी रहने वाला है, ये वो है 21 सितंबर 2024। तो इससे पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इसका डिटेल में नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट अगर आपको चाहिए तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके खुद से रीड कर सकते हो एक बार। और आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इस लिंक पर जाइए डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। सो, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे पता होगा तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।